हमने लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी देखे थे, एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, जिसमें मैं सिर्फ तुमको एनाटॉमी एक्सप्लेन की थी. ओके, सो एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी विथ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज एनाटॉमी. स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी विथ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज एनाटॉमी, मीन्स हिस्टोलॉजी. हमने उसमें सिर्फ क्या देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, व्हाट इज एनाटॉमी. ओके, अभी हमको एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी देखना है. नोट श्योर है ना? यस मैम, ओके, दीज एनाटॉमिकल कैरेक्टर प्ले अ वाइटल रोल टू सॉल्व सम ऑफ द टेक्सोनॉमी प्रॉब्लम. ओके, एनाटॉमिकल कैरेक्टर प्ले क्या करे, वाइटल रोल टू सॉल्व सम ऑफ द टेक्सोनॉमी प्रॉब्लम. टीपू हैज प्रपोज द लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टेम स्ट्रक्चर, मोर पर्टिकुलरली फॉर द सेकेंडरी xylem of angiosperm. Okay, the view has been accepted by most plant taxonomy. Stem anatomy show that the magnolia are relatively primitive of angiosperm. So ये इसका इंट्रोडक्शन है. अभी हमको उसमें पॉइंट्स कौन से देखने हैं. द फॉलोइंग एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ अ टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस आर, फर्स्ट इज द इपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम एंड एमरजेंसीज ऑफ ऑल काइंड. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, मीन्स सिस्टोलिथ. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा देखना है, मीन्स सिस्टोलिथ हमको देखना है. द वुड एनाटॉमी इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंडरी झाइलम, एंड लास्ट इज द फ्लोरल एनाटॉमी. तो फोर पॉइंट्स है एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, फोर व्यू से हमको देखना है. फर्स्ट इज द epidermal appendages, trichome and emergences of all kind. So tell me, what is epidermal appendages? Epidermis means what? Outer layer. Outer layer. Okay. Epidermis means outer layer. यहाँ हमको फोर वे से देखना है एनाटॉमी का रिलेशन किस कैसे है टेक्सोनॉमी से. बट व्हाट इज द रोल ऑफ एनाटॉमी इन टेक्सोनॉमी, रोल क्या है उसका. एनीवन नो व्हाट इज द रोल ऑफ एनाटॉमी इन टेक्सोनॉमी. मैंने तुमको एनाटॉमी भी एक्सप्लेन की हूँ, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, है ना. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एनाटॉमी इन टेक्सोनॉमी. It classifies the internal structure. Yes. Okay. Anatomical data has proved to be very useful in discovering evolutionary trends. Okay. And interrelationships of taxa, and at the above of the species level and at the higher taxonomic categories, they are most useful in determining relationship between different genera, family, order and other taxonomic categories. Okay, use kahan pe hota hai, mostly useful in determining relationship between different genera, families, order and other taxonomic categories. So this is the role of anatomy in taxonomy. Okay, epidermal appendages means this is the outermost layer. Okay, आउटर मोस्ट मीन्स एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी है वो, आउटर लेयर की, इपिडर्मल अपेंडेजेस की. इपिडर्मल अपेंडेजेस आर इंटरडर्मल इपिथेलियल स्ट्रक्चर लाइन विथ इपिथेलियल सेल. इपिथेलियल सेल मीन्स अ टाइप ऑफ सेल दैट लाइन्स द सरफेस ऑफ योर बॉडी. ओके, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर. इपिथेलियल सेल इज अ टाइप ऑफ सेल. ओके, which the potential for a division and differentiation. Epidermal appendages are interdermal epithelial structure lined with the epithelial cell with the potential for a division and
डिफ्रेंशिएशन. ओके, सो इपिडर्मल अपेंडेजेस एंड ट्राइकोम एंड इमरजेंसेस ऑफ ऑल काइंड. सो नेक्स्ट इज अ ट्राइकोम. वॉट इज ट्राइकोम? सुने हैं कभी ट्राइकोम? हेयर लाइक स्ट्रक्चर. हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट. सो ट्राइकोम इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑन अ इपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, है ना. ट्राइकोम कहाँ पे होता है प्रेजेंट? फाउंड ऑन अ इपिडर्मिस. हाँ, इपिडर्मल आउटर आउटर लेयर जो होती है इपिडर्मिस, वही वहाँ पे ट्राइकोम ग्रो होता है. सो ट्राइकोम इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन अ इपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम. दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट्स लाइक अल्गी, लाइकन्स एंड सर्टेन प्रोटिस्ट. सो वट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम? जैसे हम अगर इपिडर्मिस की बात करते हैं तो इपिडर्मिस क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, राइट. सो वट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, ओके. और ट्रांसपिरेशन. ओके, सो दे एनक्लोज स्टेशनरी एयर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट ऑर्गन अगेंस्ट वाटर लॉस. ओके, व्हाट इज द फंक्शन? एनक्लोज स्टेशनरी एयर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट ऑर्गन अगेंस्ट वाटर लॉस एंड सडन फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. दिस इज द मोस्ट फंक्शन इन ट्राइकोम. ट्राइकोम क्या है? ट्राइकोम आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ट्राइकोम आर हेयर विच आर ऑफन फाउंड एज अ इपिडर्मल आउटग्रोथ. द हेयर ऑफ अ एरियल पार्ट मे बी यूनिसेलुलर और अ मल्टी सेलुलर, ब्रांच और अ अनब्रांच्ड, है ना. यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ब्रांच है, अनब्रांच है. ओके, और फंक्शन क्या है उसका? प्रोटेक्ट द प्लांट ऑर्गन अगेंस्ट वाटर लॉस एंड सडन फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. I'm showing you a video. There are different types of trichome. Okay, so see this video.
So these are the types of trichomes. Okay, समझ में आए types of trichome? हेलो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओके सो टेल मी एनी टाइप ऑफ ट्राइकोम, टाइप ऑफ नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम. टेल मी एक टाइप ऑफ नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम. It is a hair-like extensions. I'm asking a question. Tell me the type, name of the trichome. Non-glandular trichome. Uski type batao. Glandular ke types alag hai. Non-glandular trichomes ke types alag hai, hai na? Glandular mein kaun se types dekhe hum? वीडियो में बल्बोस ट्राइकोम इज अ टाइप ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम. टेल मी द नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम. ट्राइकोम्स के टाइप्स कैसे? दो टाइप्स है, ग्लैंडुलर और अ नॉन ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर में कितने टाइप्स देखे? बल्बोस ट्राइकोम, कैपिटेट, बल्बोस ट्राइकोम, कैपिटेट सेसाइल ट्राइकोम, कैपिटेट स्टॉक ट्राइकोम, एंड टेल मी अबाउट नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम. उसमें कौन से टाइप्स देखे? साइटोलिथिक ट्राइकोम एंड नॉन साइटोलिथिक ट्राइकोम. राइट, साइटोलिथिक ट्राइकोम और नॉन, सॉरी सिस्टोलिथिक है आई थिंक वो, सिस्टोलिथिक ट्राइकोम और अ नॉन सिस्टोलिथिक. ओके सो इपिडर्मल अपेंडेजेस ट्राइकोम एंड इमरजेंसीज ऑफ ऑल काइंड. जिसमें मैंने तुमको अभी ये एक्सप्लेन किया कि बॉडी इज इपिडर्मल अपेंडेजेस एंड वॉट इज द ट्राइकोम एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ ट्राइकोम. सो ऑल यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर अपेंडेजेस आर नोन एज ट्राइकोम. ओके, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर अपेंडेजेस आर नोन एज अ ट्राइकोम एंड मोर मैसिव स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल स्पाइनस बॉडी, spine's body warts are called as epidermal emergences. Okay, epidermal appendages kisko bolenge? Spine's type mein body hongi. Warts are called as a epidermal emergences. The presence of epidermal outgrowth are help in identification of plants. Agar plant mein outgrowth hai, means trichomes are present. So the presence of epidermal outgrowth means trichome are help in identification of plants. Hum identify kise kar sakte hai? Trichomes ko dekh ke, hai na? For example, presence of digestive glands in utricularia, drosera, nepenthes, occurrence of a woolly form layer in grasses and mostly in monocots, or presence of stinging hair in member of Utricaceae and also some members of Euphorbiaceae. Means taxonomy ko hum kaise find kare? Taxonomy kya hai? Identification hai na. To hum plants ki outermost growth means epidermal appendages and trichomes dekh ke kya kar sakte? Plants ko identify kar sakte. Okay, aaya samajh mein? There are different types of trichomes. हर प्लांट का ट्राइकोम कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, शेप्स डिफरेंट है. सम ट्राइकोम्स आर यूनिसेल्युलर, मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, है ना? तो उनके शेप भी कैसे डिफरेंट है. तो हम
बाय ट्राइकोम हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, प्लांट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, तो ये किसमें आएगा, टेक्सोनॉमी. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी. ओके, आया समझ में. ए पॉइंट, इपिडर्मल अपेंडिजेस, ट्राइकोम एंड एमर्जेंसीज ऑफ ऑल काइंड्स. यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे शार्प हेड ऑफ लैंटेना है. शार्प मीन्स ये भृंगराज का प्लांट देखे आप लोग ने, शार्प हेड ऑफ लैंटेना, उस पे ऐसे टाइप्स के ट्राइकोम्स होते हैं. ओके, भृंगराज का देखे प्लांट, व्हाइट कलर के स्मॉल फ्लावर्स होते हैं उस पे. नहीं देखे होंगे तो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं. इपिडर्मल हेयर ऑफ लियोपर्सिकम इज अ पोटैटो प्लांट. देन डेंड्रॉइट हेयर ऑफ प्लांटोनस, डेंड्रॉइट हेयर ऑफ प्लांटोनस, विस्क्यूलाटा हेयर ऑफ एट्रिप एप्रिटेक्स. ओके, देन स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूट्रिका. यूट्रिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है. अगर आप लोगों को देखना है तो नेट पे ये सारे नेम सर्च करके देखो, सब मिल जाएंगे आपको. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हेलो, यस मैम, नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टोलिट्स. और यहाँ पे हेडिंग दी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा. ओके, और यहाँ पे सिस्टोलिट्स है तो उसके आगे बी पॉइंट में सिस्टोलिट्स डालना है. ओके, ओके मैम. सिस्टोलिट्स इज द बोटानिकल टर्म. मैं अभी लेक्चर के बाद आप लोगों को पूरे नोट सेंड करती हूँ. ओके, सिस्टोलिट इज अ बोटानिकल टर्म फॉर अ आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल वॉल, यूजुअली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट इज सिस्टोलिट? सिस्टोलिट इज अ बोटानिकल टर्म फॉर अ आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल वॉल. स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स लीव्स में. और इपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट होता है ना, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ऐसे बोल रहे हो, लेकिन कहाँ पे होता है वो, इपिडर्मिस की जो लेयर होंगी उसमें प्रेजेंट होता है. सो सिस्टोलिथ इज अ बोटानिकल टर्म फॉर आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल वॉल्स. और ओनली लीव्स पे प्रेजेंट नहीं होता है, स्टेम पे भी होता है, अदर ऑर्गन्स पे भी होता है प्रेजेंट. यूजुअली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म इन अ सेल्यूलोज मैट्रिक्स इन स्पेशल सेल कॉल्ड अ लाइथोसिस्ट. जनरली इन लीफ ऑफ प्लांट्स दे आर विजिबल एज अ डॉट्स और अ वेरियस शेप मार्क, स्पेशली इन प्रेस्ड ड्राइड लीफ. वॉट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टोलिक? फंक्शन क्या है उसका? सो दे मे सर्व एज अ सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लीफ लीफ ईटिंग इंसेक्ट और अदर एनिमल्स. सिस्टोलिथ इज अ बोटानिकल टर्म फॉर अ आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल वॉल, यूजुअली ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और वॉट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या है? व्हाट इज दिस टोमाटा? हेलो, दिस इज अ किडनी स्ट्रक्चर. एक्चुअली आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी. टोमाटा इज अ किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स. राइट, स्टोमाटा आर अ टाइनी ओपनिंग और अ पोर दैट गैसियस एक्सचेंज. Stomata are usually found in the epidermis of leaves, stems, and other organs. The function of stomata is to open and close the pore in the leaves for an exchange of gases. Function kya hai uska?
stomatized to open and close the pores in the leaves for an exchange of gases. It allow the plant to take carbon dioxide and give out oxygen for a photosynthesis. Mostly क्यों use होता है वो photosynthesis के लिए है ना. So tell me the types of stomata. There are different types of stomata. Tell me any one type. Dumbbell shaped stomata. Dumbbell shaped stomata, gramineous, coniferous stomata, or ranunculaceous, or anomocytic. है ना? Anomocytic stomata means irregular. Then cruciferous and anisocytic or rubiceous, parasitic, parallel stomata means okay, caryophyllaceous means diacytic. There are different type of stomata are present in the plant. Okay. तो जो बी पॉइंट है मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरे को जो वीडियो भी दिखानी है आप लोगों को. ओके We should stop here.